दिस रेसिपी इज ब्रॉट टू यू बाय शेफ प्राइड, मिनटों में पकाएं, मजे लेकर खाएं। जी मैं हूं मोहम्मद अब्बास, आज मैं आपके लिए स्पेशल कीमा बनाने जा रहा हूं तवे पे। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए इसमें कीमा और ज़ीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, कुटी मिर्च, सूखा धनिया, नमक, दही और देसी मक्खन। इसके अलावा हमें चाहिएगा हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और हरा धनिया। प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक, टमाटर डालेंगे। अब हम कीमा डालेंगे, घी डालेंगे, ये डाला ताकि ये नीचे जले ना, पानी का हम थोड़ा डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे चार चम्मच, जीरा डालेंगे, ये हम नमक डालेंगे, धनिया डालेंगे हम आधा, अब हम किसी भी बर्तन से इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये भाप से गल जाए। अब हम इसके इर्द गिर्द पानी डाल देंगे ताकि ये गलें और आप इसको 10 से 15 मिनट ढका रहने दें ताकि ये अच्छी तरह गल जाए भाप में। शेफ प्राइड चिकन नगर्स मैक्स, अब घर में चिकन नगर्स बनाना कितना आसान और सस्ता। मजेदार चिकन नगर्स बनाने के लिए बोनलेस चिकन पीसेस में एक अंडा और छोटा पैकेट अच्छी तरह मिक्स करें, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएं और फ्राई करें। लीजिए मजेदार नगर्स तैयार, शेफ प्राइड चिकन नगर्स मैक्स। इसके अलावा मजीद जायके में ब्रोस्ट मिक्स, टेम्पोरा मिक्स और मीठे जायके में मालपुरा मिक्स। जी 10 मिनट हो गए और अब इसका हम ढकना उठाएंगे और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारा कीमा अच्छी तरह मिक्स हो गया और अब हम इसको गलने देंगे अच्छी तरह और अब हम इसको अच्छी तरह फैला देंगे थोड़ा सा। ये जी हमने फैला दिया इसको, 5 मिनट प्लीज इसको ऐसे ही रम रहने देंगे। इसमें हम हरा धनिया और ऐड करेंगे, हरा धनिया इसमें ज़्यादा डलता है। ये हम सारे इसमें हरा धनिया ऐड करते हैं और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब डालें और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, दही हमने तकरीबन इसमें 1 पाव के करीब डाल दें, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद अंदर इसका हम देसी मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन हम इसमें ऐड करेंगे कम से कम 200 ग्राम मक्खन इसमें ऐड करेंगे और आखिर में इसमें हम मक्खन में इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। यही कीमा अगर आपके पास तवा ना हो तो आप पतीली में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं।
हमारा कीमा तैयार हो गया और अब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये हमारा ये कीमा तैयार हो चुका है और अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे हरा धनिया। जी हाँ, ये हमारा था तवा कीमा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ दोबारा आ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।